मैं बंदा सिंह बहादुर बोल रहा हूं। मैं वही बंदा सिंह बहादुर हूं जिसने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं वही बंदा हूं जिसने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन कभी इस्लाम धर्म कबूल करना मंजूर नहीं किया। मैं वही सिख सैन्य प्रमुख बंदा बहादुर हूं जिसने भारत में मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ मुगलों के अजेय होने का भ्रम तोड़ा था। मैं वही बंदा हूं जिसने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान का बदला लिया था। मैं वही हूं जिसने बिना सेना और हथियारों के 2500 किलोमीटर तक सफर तय कर 20 महीने के अंदर सरहिंद पर अधिकार कर खालसा राज की स्थापना कर दी थी। मैं ही वह बंदा हूं जिसके पीछे पूरी मुगल फौज लगी थी और इतनी कठोर यातनाएं दी गई जिनकी कल्पना कर पाना भी किसी की सोच से परे है, लेकिन फिर भी मैंने अब तक नहीं की थी। मैं वही बंदा बहादुर हूं जिसको इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए मेरे ही पुत्र का कलेजा मेरे मुंह में ठूंस दिया गया था। मेरा जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू कश्मीर के राजौरी के राजपूत परिवार में हुआ। मेरे पिता का नाम रामदेव तथा माता का नाम सुलखनी देवी था। मेरा बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। तीर कमान और घुड़सवारी के शौक के चलते मैंने बचपन में ही शिकार में भी महारत हासिल कर ली थी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान मैंने एक हिरणी का शिकार किया। शिकार के बाद मुझे पता चला कि वो गर्भवती थी। पेट फाड़ कर देखा तो वहां 2 बच्चे थे। दोनों ने मेरी आंखों के सामने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ और उसी समय 15 वर्ष की उम्र में मैंने शिकार करना त्याग दिया और वैराग्य धारण कर लिया और जानकी दास जी का शिष्य बन गया। उन्होंने मुझे माधवदास नाम दिया। साधु की संगति में मैंने उत्तरी भारत की यात्रा की और घूमते घूमते महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंच गया और गोदावरी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगा। सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी जो मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ दक्कन आए थे, शिकार करते समय हमारे आश्रम आए। उस समय मैं आश्रम से बाहर था। गुरु ने अपने शिष्य को तुरंत खाना पकाने का आदेश दिया। इसकी खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैंने आवेश में आकर उन पर अपनी तंत्र विद्या आजमानी चाही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गुरु ने मुझसे फिर पूछा, तुम कौन हो? मैंने अपनी सभी मनोगत स्थिति को आजमा कर आभार मान ली थी। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, मैं आपका बंदा हूं। गुरु ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा कि आप कोई और नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह हैं। उन्होंने मुझे अपनी वर्तमान वैराग्य जीवन शैली जीने के एकाकी तरीके को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे धर्म की रक्षा हेतु और न्याय के लिए लड़ने के लिए एक सच्चे योद्धा के कर्तव्य को फिर से शुरू करने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह को उम्मीद थी कि सम्राट बहादुर शाह अपने वादे को पूरा करेंगे और पंजाब में सरहिंद के गवर्नर नवाब वजीर खान और उनके साथी को गुरु माता गुजरी और अपने 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की हत्या सहित आम लोगों के खिलाफ उनके अपराधों के लिए दंडित अवश्य करेंगे। लेकिन बहादुर शाह ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उसे अनिच्छुक पाते हुए गुरु गोविंद सिंह ने मुझे पंजाब के लोगों को मुगलों से छुटकारा दिलाने का काम सौंपा। गुरु ने मुझे बंदा सिंह बहादुर नाम देते हुए एक तलवार, 5 तीर और 5 साथी दिए। साथ ही उन्होंने एक आदेश भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पंजाब में मुगलों के विरुद्ध सिखों का नेतृत्व करना है और सरहिंद नगर पर जाकर कब्जा करूं और अपने पुत्रों की मौत का बदला लेने के लिए अपने हाथों से वजीर खान को मृत्युदंड दूं। बाद में मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने पंजाब की ओर कूच किया, लेकिन कुछ दिन बाद ही जमशेद खान नाम के एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर खुकरी से वार किया जिससे उनको गहरा घाव हो गया। गुरु गोविंद सिंह कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। घायल होने और अपनी मृत्यु के बीच गुरु गोविंद सिंह चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी व्यक्ति को अगला गुरु नामांकित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के स्थाई गुरु का दर्जा दिया जाएगा। मैं अपने 5 साथियों सहित पंजाब में सतलज नदी के पूर्व में जा पहुंचा, लेकिन मुगल सेना से युद्ध करने के लिए धन और सेना की आवश्यकता थी। उसके लिए मैंने विचार किया कि क्यों न मुगलों की कुछ जागीरों को लूटा जाए
और फिर मैं सिख किसानों को अपनी तरफ करने के अभियान में जुट गया। जमींदारों के अत्याचारों से त्रस्त सरहिंद के किसान बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। उनको एक निडर नेता की तलाश थी और वो ये भी नहीं भूल पाए थे कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों के साथ क्या हुआ था। इस इलाके के सिखों ने घोड़े और धन उपलब्ध कराया। कई सालों से मनसबदारों ने अपने सैनिकों का वेतन नहीं दिया था, इसलिए वे लोग भी जीवन यापन की तलाश में थे, जिसने उन्हें मेरे साथ आने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले हमने सोनीपत और कैथल में मुगलों का खजाना लूटा। 3 से 4 महीने के भीतर अब सेना में करीब 5,000 घोड़े और 8,000 पैदल सैनिक शामिल हो गए थे। कुछ दिनों बाद इन सैनिकों की संख्या बढ़कर 19,000 हो गई। औरंगजेब के बाद नए मुगल बादशाह बहादुर शाह की छवि उदारवादी जरूर बन गई, लेकिन वो पंजाब और दिल्ली से दूर था, इसलिए उसके अपने अफसर और आम लोग उसे कमजोर समझने लगे। लोगों के मन में बादशाह का जो डर था वो जाता रहा। नवंबर 1709 में मैंने सैनिकों के साथ अचानक सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला बोल दिया। समाना पर हमला करने की वजह यह थी कि 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करने वाला और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र को मारने वाला व्यक्ति वजीर खान उसी शहर में रह रहा था। समानों को बचाने के लिए दिल्ली से सरहिंद को कोई मदद नहीं भेजी गई। सरहिंद दिल्ली और लाहौर के बीच बसा शहर था। यहां मुगलों ने बड़े बड़े भवन बनवा रखे थे और ये उस समय पूरे भारत में लाल मलमल बनाने के लिए मशहूर था। मैंने मई 1710 में सरहिंद पर हमला बोला। इस फौज में लगभग 35,000 सैनिक थे, जिनमें से 11,000 भाड़े के सैनिक थे। वजीर खान के पास ट्रेनिंग के लिए आए हुए 15,000 सैनिक थे। कम संख्या में होते हुए भी वजीर की सेना के पास सिखों से बेहतर हथियार थे। उनके पास कम से कम 2 दर्जन तोपे थी और उनके आधे सैनिक घुड़सवार थे। 22 मई 1710 को हुई इस लड़ाई में मैंने सबसे कमजोर तोपखाने को बीच में रखा। बीच में रखी 4 तोपों पर वजीर खान ने सबसे पहले हमला बोला। इस हमले की कमाल मैंने भाई फतेह सिंह को दी। सामने आमने की लड़ाई में फतेह सिंह ने वजीर खान के सिर पर वार किया और उसके सिर के 2 टुकड़े कर डाले। जैसे ही सरहिंद के सैनिकों ने अपने सेनापति का कटा हुआ सिर जमीन पर गिरते देखा, उनका मनोबल भी मानो मिट्टी में मिल गया। वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस लड़ाई में हमारी विजय हुई। सरहिंद शहर में मुगलों की साख को मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद जब मुझे खबर मिली कि यमुना नदी के पूर्व में हिंदू को तंग किया जा रहा है, तब हमने यमुना नदी पार की और सहारनपुर शहर को मुगलों से मुक्त करा दिया। हमारे हमले से उत्साहित होकर स्थानीय सिख लोगों ने जलंधर दुआब में रोहान, बटाला और पठानकोट पर भी अपना अधिकार कर लिया। मैंने अपने नए कमान केंद्र राजधानी को लोहागढ़ का नाम दिया। सरहिंद की जीत को याद करते हुए मैंने नए सिक्के ढलवाए और अपनी नई मोहर जारी की। उन सिक्कों पर गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र थे। सरहिंद इस तरह हाथ से निकल जाना बहादुर शाह के लिए बड़ी चुनौती थी। जब मैं पंजाब से बाहर था तो मुगलों ने सरहिंद पर फिर से आक्रमण कर अधिकार कर लिया और 10 दिसंबर 1710 को बहादुर शाह ने फरमान जारी किया कि जहां कोई सिख दिखे उसे मार दिया जाए। मैंने जंगलों से ही सिखों को हुक्मनामे भेजे ताकि हम दोबारा अपनी सेना को एकजुट कर सकें। 2 साल तक मैं छुपते छुपाते उन्हीं जंगलों में रहा। मेरे बुलाने पर 1712 में कीरतपुर साहिब में सिखों ने राजा अजमेर चंद को हराया। अजमेर चंद ने ही पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ भड़काया था। 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो गई, जिसके बाद उनके बेटों में सत्ता को लेकर ठन गई। मुगलों में पड़ी फूट का फायदा उठाते हुए मैंने लोहगढ़ पर दोबारा अधिकार कर लिया। बहादुर शाह की मौत के बाद मुगलों की कमान फर्रुखशियार ने अपने हाथ में ले ली थी। उसने सबसे पहले समद खां को लाहौर का गवर्नर और उसके बेटे जकारिया खां को जम्मू का फौजदार नियुक्त किया। फिर इन दोनों को सिखों के खिलाफ अभियान शुरू करने को कहा। 3 साल के इस अभियान में समद खां ने सिखों को गुरदासपुर शहर से 4 मील दूर गुरदास नांगल तक ढकेल दिया। वहां किले की सुरक्षा में हम किसी तरह बचे रहे। समद खां ने उज्ज्वल रणनीति का सहारा लेते हुए गुरदास नांगल किले के सारे रास्ते बंद कर दिए। न खाना अंदर आ सकता था न पानी। पहले भी लोहागढ़ के किले को मुगल नहीं जीत पाए थे, इसलिए हमले के बजाय समद खां ने इंतजार की नीति अपनाई। खाने को भोजन न मिला तो दुर्ग में सिख घास पत्तियों पर गुजारा करते रहे। उसमें भी बात न बढ़ी तो घोड़ों और गधों का मांस खाना पड़ा। 8 महीने किसी तरह गुजरे, लेकिन दिसंबर आते आते दिखने लग गया था कि बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं। किले के दरवाजे खोले तो मुगल सेना टूट पड़ी।
7 दिसंबर 1715 को मुगलों ने गुरदास मांगल गांव पर कब्जा कर लिया और 17 दिसंबर 1715 को 200 सिखों को कत्ल कर दिया गया। बाकी सिखों को मेरे सहित गिरफ्तार कर लिया गया। फारूक शियार ने आदेश दिया कि बंदा उसे जिंदा चाहिए। सभी सिखों को जंजीरों से बांधकर ऊंटों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था। समद खान ने अपने बेटे जकारिया खान के नेतृत्व में सिखों को दिल्ली के लिए रवाना किया। 27 फरवरी को इस जुलूस ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। जुलूस को देखने के लिए भारी संख्या में दिल्लीवासी सड़कों पर उतर आए। इसमें करीब 744 जीवित सिख कैदी चल रहे थे। उन्हें दो दो करके बिना काठी वाले ऊंटों पर बांधा गया था, यानी 377 ऊंटों का काफिला चल रहा था। प्रत्येक कैदी का एक हाथ गर्दन के पीछे एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। इसके अलावा उन्हें लंबे बांसों पर मारे गए 200 सिखों के सिर लटका रखे थे। उनके पीछे मैं चल रहा था। पीछे एक लोहे के पिंजरे में डालकर हाथी पर सवार किया गया मुझे। मेरे दोनों पैर लोहे की सांकलों से बांधे गए। मेरे बगल में नंगी तलवारें लिए दो मिगल सिपाही खड़े रहे। हम सबको फारूक शियार के आगे पेश किया गया। फारूक शियार ने मुझे और मेरे 23 साथी को मीर आतिश इब्राहिम और दीन खान के हाथों सौंप दिया। बाकी सिखों को दिल्ली के कोतवाल सरबरा खान के हवाले कर दिया गया। 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान हुआ। सजा थी सर कलम किया जाना। न बोलते ही सिर धड़ से अलग करने लगे। एक बड़े से चबूतरे पर एक एक आदमी को ले जाकर एक ही सवाल पूछा जाता, क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? हर सिर ना में हिलता गया और सिर धड़ से अलग होता गया। 7 दिनों तक चले इस कतलेआम से कोतवाल सरबरा खान जब थक गया तो उसने सजा पर रोक लगा दी। उसने फारूक शियार से कहा कि मसले को जरा ठहरने दिया जाए, कुछ दिन जुल्म सहेंगे तो होश आएगा और इस्लाम कबूल कर लेंगे। 3 महीने तक मुझे काल कोठरी में बंद रखा गया। सवाल का जवाब तब भी ना ही था। अंत में 9 जून 1716 को मेरी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। सजा से पहले वहां पर कोतवाल ने कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मौत या इस्लाम? मैं भी अपने जवाब पर अड़ा था। कोतवाल को सोची तो वह मेरे 4 साल के बेटे अजय सिंह को मेरे सामने ले आया। बेटे की गर्दन पर तलवार रख फिर वही सवाल दोहराया। मेरी गर्दन इनकार में पूरी घूमी भी नहीं कि जल्लाद ने अजय का सिर कलम कर दिया। उसके बाद उसने शव से बच्चे का कलेजा निकाला और मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैं तब भी नहीं टिका। मैंने मृत्यु को स्वीकार किया और मृत्यु से भी बड़े उस दुख को भी स्वीकार किया जो मेरे सामने मेरे बेटे को मारकर मुझे दिया गया। इसके बाद जल्लाद ने खंजर से मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। गर्म सलाखों से मेरे शरीर की खाल को उतारा गया। मौत से पहले जितना संभव था यातनाएं दी गई। शरीर से मांस तक नोचा गया और अंत में शरीर के टुकड़े काटकर अलग करने लगे। 9 जून 1716 को इस महापुरुष ने बलिदान की वो कहानी लिख दी जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरुजी के वचनों का मान रखते हुए छोटे शहजादों की हत्या का तो बदला ले लिया था, परंतु अपने बेटे को न बचा सका। बंदा सिंह बहादुर के बलिदान के 2 साल बाद शहीद सिखों ने मराठों की मदद से फारूक शियार को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि कैद कर उसकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला गया और आखिर में नौबत यहां तक पहुंची कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमट कर रह गया। काबुल, श्रीनगर और लाहौर पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक विशाल भूभाग मराठों के हाथ चला गया। तो दोस्तों, ये थी बंदा बहादुर, बंदा सिंह बहादुर की ऐसी शौर्य गाथा जिसके बारे हम तो क्या ही कुछ बोले। अपने आप में एक ऐसा उज्जवल उदाहरण है कि उनके बलिदान का पूरा भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा और याद रखना भी चाहिए। हमारे लिए तो उनकी वीर गाथा सुनना ही सौभाग्य की बात है और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उसी धरा पर जन्म लिए हुए हैं जिस धरा पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया है। इसी धरा पर इन वीरों ने घूमा है, ऐसी धरा पर इन वीरों ने बलिदान गाथाएं लिखी हैं। हमारी भारत माता की इस धरती पर ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने धर्म और लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान अपने कर्तव्य का हिस्सा माना है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बंदा सिंह बहादुर के इस बलिदान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और साथ ही ये भी बताइए
क्या मुगलिया और लेफ्ट इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को हमसे छुपाने की कोशिश की है? और यदि की है तो अब हमारा फर्ज बनता है, हमारा ये कर्म बनता है, ये हमारा धर्म बनता है कि हम असली इतिहास को जाने, देखें, सुने, बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।